नीमच में सीआरपीएफ के अमर शहीद मेघराज सैनी को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बलिदान को नमन कर याद किया गया। कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों को सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नीमच शहर के निवासी सीआरपीएफ के अमर वीर बलिदानी लॉयंस नायक मेघराज सैनी ने वर्ष 1991 में 75वीं बटालियन में तैनाती के दौरान आज ही के दिन 1990 के दशक में पंजाब में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तब पंजाब में आतंकवाद अपने चरम पर था। तारण में आतंकवादियों से डट कर मुकाबला करते हुए मां भारती की सेवा में वीर मेघराज सैनी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज सीआरपीएफ नीमच के डीआईजी एसएलसी खूब उप कमांडेंट देवेंद्र सिंह नेगी नोडल ऑफिसर निरीक्षक गोपीलाल की मौजूदगी में सीआरपीएफ ने वीर बलिदानी के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 नीमच में शहीद के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया। बताते चले कि शहीद मेघराज सैनी ने नीमच शहर के इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। इस मौके पर नीमच के जिला कलेक्टर दिनेश, पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, विद्यालय के प्राचार्य राधेश्याम धाकर, विद्यालय का स्टाफ, विद्यार्थी, नीमच शहर के गणमान्य नागरिक और परिजन मौजूद रहे। उपस्थित जनों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर वीर सपूत मेघराज सैनी की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना एवं शहीद के परिजनों के प्रति अपनत्व एवं कृतज्ञता प्रकट की गई। आज दिनांक को हम सब लोग विद्यालय क्रमांक 2 में उपस्थित हुए सीआरपीएफ में कार्यरत रहे लांस नायक मेघराज सैनी की आज शहादत का दिवस है। आज ही के दिन सन 1991 में उन्होंने अपने प्राण देश की सुरक्षा में नौछावर किए और आज हम सभी लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर पूरे बच्चों के साथ में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आप जैसा देख रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं, इन लोगों को भी एक प्रेरणा मिल रही है कि किस प्रकार से उन्हीं के बीच से, इन्हीं के विद्यालय से निकले एक व्यक्ति ने हमारे देश के प्रति एक अपने प्राणों को नछावर किया और किस प्रकार की कीर्ति को स्थापित किया है। तो हम सभी लोगों को द्वारा उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके परिवार को जो आज यहाँ हमारे बीच उपस्थित है, उनको भी बहुत बहुत नमन है कि ऐसे वीर को उन्होंने जन्म दिया और हमारे देश के लिए, सुरक्षा के लिए उनको लगाया। तो मैं उनको सभी को श्रद्धांजलि के तौर पर उनको भी नमन करता हूं। और इसी प्रकार से हमारे बीच से, नीमच से कई ऐसे वीर हैं जो निकलते आए हैं और उनको भी हम समय समय पर श्रद्धांजलि देते हैं। तो इस प्रकार से आज के दिन हम यहां उपस्थित हुए। सीआरपीएफ को भी धन्यवाद कि उन्होंने इस वीर की जो उन्होंने अपना कर्तव्य था उसको इस प्रकार से हर दिवस उसको मनाते हैं और उनके जो उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो उसके लिए भी इनको धन्यवाद। जी, क्या नाम आपका? मदन लाल सर। आपने पिता को देखा था आपने? हाँ सर, देखा था। छठी क्लास पढ़ता था उस टाइम। अच्छा, तो वर्दी में आते होंगे घर पे? हाँ सर। श्रद्धांजलि कार्यक्रम कराया गया है, किस प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित करेगी? ये 8 अगस्त 1991 को पंजाब में जब 75 बटालियन में तैनात थे, उस दौरान ये रात को गश्त में निकली थी। इनकी 2 जीपें, जैसे कि आपको अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब ने सबको बताया है कैसे कैसे हुआ था। तो इन्होंने अपनी बहादुरी के साथ लड़ाई करते हुए जो है कुछ आतंकवादियों को मार गिराया है और कुछ भागने में वो सफल हुए हैं। और हमारे इस अभियान में 5 जवान शहीद हुए हैं, इनको मिला के 6 जवान शहीद हुए थे। तो इसी उपलक्ष्य में जैसे कि डीएम सर ने बताया कि इसी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का था और उन्होंने यहाँ से पढ़ाई करके जो है सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे नीमच के अंदर ही, उसके बाद यहाँ से ट्रेनिंग करके गए थे। तो ये नीमच हमारी सीआरपीएफ की जन्मस्थली है और हमें अभी फ़ख्र होता है कि हम यहाँ आकर के इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इनके परिवार हैं जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया है, उनको भी हम शत शत नमन करते हैं। और इन्होंने तो जो खोया है, देश ने भी खोया है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अध्यापकगण हैं, अपने बच्चों को मोटिवेट करें और इनके संबंध में हमेशा कुछ ना कुछ 1-2 चीज़ें बताते रहें। धन्यवाद। जो है हमारे ज़िले के जो सीआरपीएफ में कार्यरत और 8 अगस्त 1991 को शहीद हुए लांस नायक मेघराज सैनी का शहादत का दिवस है, जिसको कि आज हम सभी लोगों ने यहाँ उपस्थित रहकर और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये नीमच ज़िले का सौभाग्य है कि यहाँ के कई सारे लोग जो हैं स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान तक कई माध्यमों से, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या सीआरपीएफ में कार्यरत हों,
हमारी पुलिस फोर्स में कार्यरत हूँ, उन्होंने जब जब समय आया है अपनी शहादत दी है, और आज जो है लांस नायक जो मेघराज सैनी हैं उन्होंने इस क्रमांक 2 से 1980 के लगभग पढ़ाई भी की थी, इसीलिए ये प्रोग्राम जो है CRPF के द्वारा इस विद्यालय में आयोजित किया गया है। आज हम सभी ने उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उनके प्रति जो है देशवासियों की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, सभी नागरिकों की ओर से हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ऐसे जांबाज जो हमारे शहीद हैं वो हमेशा जो है देश के इतिहास में अमर रहेंगे। CRPF हमारा ऐसा संगठन है जिसने लगभग 2500 लोग इसमें शहीद हुए हैं अभी तक, और नीमच का सौभाग्य है कि ऐसे जो वीर हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और देश सेवा में लगातार कार्य करते हैं। सभी की ओर से मैं उनको बहुत श्रद्धांजलि अर्पित।